फोटो कैसे हटो भाई, तेरा फोटो हटो, इधर हटो यार, क्या तेरा पूरा हमारे प्रेसिडेंट साहब की फोटो नहीं लगा के लेते, लगा तो लेना, खाली फुकट के फोटो लेते लोग, नहीं लगाए तो लगाने वाले की फोटो नहीं आ रही दिलों में, जा रहे हो दिलों में, डालो भाई डालो, अशुभ भाई डालो, बाबागढ़ साहब डालो, अंदर काम खत्म होगा तो ना ना కొత్తే రైస్ పెట్టండి అన్న కొంచెం వెనక్కి అన్న ఒక్కసారి చూడండి మహేష్ दोनों नहीं है, दो जनों को तो भाई, दो जनों को तो क्यों बड़े सोमा बड़े
भैया जर्रा आटो ना जरा भैया जर्रा बोलो ओके सर आनंद में डालो सारों को बोल रहा ना भाई नहीं देखा ना शहर हैदराबाद में आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी हैं मैं समझता हूँ 18 गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो पेशेंट्स के अटेंडर रहते हैं उनके लिए जो है एक ज़माने में उनको तकलीफ़ होता था खाने के लिए हुकूमत तेलंगाना खासकर हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब का जो सोच है जो पेशेंट्स के अटेंडर जो है उनके लिए भी खाना जो है लगाने के वास्ते आज देखे कि नीलोफर हॉस्पिटल में बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जो है गरम गरम खाना जो है सिर्फ 5 रुपये को जो है आज लोगों को दिया जा रहा 5 रुपये में जो है अच्छी सी जो है चावल है दाल है करी है स्वीट है पिकल्स है और आपको प्लेट और ग्लास पानी के साथ यही खाना अगर आप बाहर होटल में खाएंगे तो मैं समझता हूँ 80 रुपये से 90 रुपये तक जो है उसका कीमत होता लेकिन आज यह क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो गरीब तबके लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते उनके लिए जो है कोई तकलीफ़ नहीं होने के लिए जो है एक बेहतरीन जो है प्रोग्राम लगा के दिया गया
इसमें एक तो जो है गरम गरम खाना, एक अच्छा जो है हाइजेनिक तरीके से खाना, प्रोटीन की तरीके से खाना, तो इसके तरीके से बेहतरीन खाना जो है आज अटेंडर को दिया जा रहा है। रियासत तेलंगाना हुकूमत आने के बाद 8 साल में आप देखें कि कई तब्दीलियां हॉस्पिटल्स में होते जा रहा है। गरीबों को इलाज पूरी कहां पे भी कोई भी हॉस्पिटल में जो है अच्छी तरीके से कॉरपोरेट इलाज जो है फ्री में मुफ्त में होते जा रहा है। उसमें जो है दवा दिए जाते जा रहे हैं, खाना दिया जा रहा है, हर चीज़ जो है हुकूमत की तरफ से जो है दिया जा रहा है। तो ये हुकूमत ये है कि गरीब के ताईद की हुकूमत है। हुकूमत ये चाहती है कि हर गरीब जो है उसको अच्छी तरीके से इलाज होना, उसको हर तरीके से जो है कोई बोझ नहीं होना, इस तरीके से जो है आज ये हुकूमत आगे बढ़ते जा रही है। तो आप देखें कि कल ही जो है हरीश राव साहब जो मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्टर है, यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी जो है आज हैदराबाद में किया गया। डायग्नोस्टिक सेंटर में आप देखेंगे कि एक्सरे फ्री में, अल्ट्रासाउंड फ्री में, ECG फ्री में, इस तरीके से जितने भी इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पे हो रहा वो हुकूमत की तरफ से जो है फ्री में, गरीब आदमी एक पैसा भी अपने जॉब से खर्च कर नहीं करने के लिए पूरा जो है हुकूमत आज देते जा रहे हैं। इसी तरीके से जो है 300 के ऊपर बस्ती दवाखाना, आप देखेंगे हर बस्ती में जो है दवाखाना। एक ज़माना ये था कि वहाँ के गरीब आदमी एक हॉस्पिटल को जाने के लिए, जाके आने के लिए किराया खर्चा ही जो है 100 रुपये के ऊपर होता था, लेकिन आज जो है हॉस्पिटल खुद आपके बस्ती में आया, हॉस्पिटल खुद आपके खिदमत के लिए आया, ये सब जो है मुमकिन है। చాలా శుభదినం ఇవాళ నీలోఫర్ హాస్పిటల్కి చాలా శుభదినము. మా గవర్నమెంట్కి, తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి చాలా కృతజ్ఞతలు అందరూ. ఏంటంటే మన దగ్గర మా హెల్త్ మినిస్టర్ గారు హరీష్ రావు గారు ఎప్పుడూ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ప్రతి హాస్పిటల్లో ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి, గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ వర్కర్ ఆయన, అందరికీ తెలుసు. అదేంటంటే మా దగ్గర మీటింగ్స్ ఎవ్రీ మంత్లీ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మీకు ఏం నెసిటీ ఉంది అన్ని శుండంగా చెక్ చేసి మాకు స్టార్ట్ పెడతారు. ఏదైనా ఉన్నా ఇమీడియట్గా సప్లై చేస్తారు. అలాగే మా డిఎంఈ గారు కూడా బాగా కష్టపడతారు, మీ అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు ఇవాళ చాలా శుభదినం, ఎందుకంటే ఇవాళ మేము ఇది గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ అయింది. ఇక్కడ 5 రూపాయలు భోజనం, అంటే పొద్దున టిఫిన్ పెడతారు, లంచ్ పెడతారు, డిన్నర్ పెడతారు. అటెండర్స్కి, పేషెంట్స్కి, పేషెంట్స్కి మా తరఫున సప్లై ఉంది, అటెండర్స్కి కూడా కంటిన్యూ సప్లై. ఇంత ఫ్రెష్ మంచి ఫుడ్ పెట్టడం అనేది తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి చాలా కృతజ్ఞతలు. మేము ప్రతి అటెండర్ కూడా చాలా హ్యాపీగా లైన్ కట్టి క్యూ కట్టి ఇక్కడ తింటున్నారు. అది దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ సైన్. అండ్ మేము మంచి హైజీనిక్ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఇస్కాన్ ద్వారా కూడా, చాలా థ్యాంక్స్. తర్వాత నేను ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎమ్మెల్సీ గారు ప్రభాకర్ రావు గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఇవాళ వచ్చి ఇనాగ్రేట్ చేసినందుకు, ఈ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేసినందుకు, అలాగే అందరికీ నేను ప్రతి పేరున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. గవర్నమెంట్ తరఫున, నీలోఫర్ హాస్పిటల్ తరఫున కూడా నేను అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. జై తెలంగాణ. आज नीलोफर हॉस्पिटल में आज हरीश राव साहब एक स्कीम चालू करें, 5 रुपये चावल का जो मील्स है, ये सुबह नाश्ता है, फिर दोपहर में लंच है, शाम में डिनर है. ये पेशेंट के साथ जो अटेंडर आता है उसको बहुत परेशानी हो रहा बोल के उनके मदद के लिए, उनका सहूलत के लिए, उनको आराम रहना परेशानी नहीं होना, गाँवों से लोग आते खाना बनाने को परेशानी होता बोल के उनके लिए ये अरेंजमेंट करे. ये हमारे KCR साहब की सोच है कि हर आदमी हॉस्पिटल आओ, कहीं भी आओ, उनको खाना सही टाइम पे मिल जाना और कम दाम में मिलना. इतना अच्छा खाना भी खा के देखे हम लोग यहाँ पे. हमारे चीफ गेस्ट आज हमारे MS प्रभाकर साहब गवर्नमेंट विभाग के ओपनिंग करें आज मील सेक्शन. बहुत हम धन्यवाद बोलते हैं प्रभाकर साहब को, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ आए. अभी ये प्रोग्राम हो गया, अभी हमारे मुरली साहब जो सुप्रिटेंडेंट है, डॉक्टर मुरली कृष्णा साहब, उन्होंने 4 बात बोली.